नमस्कार, मैं हूं आशीष मंडल और आप देख रहे हैं खबर खास डिजिटल। लोकसभा चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया के बाद एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं। राजधानी दिल्ली की तस्वीरें भी एग्जिट पोल में लगभग साफ हो चुकी है। सभी एग्जिट पोल्स में दिल्ली में एक बार फिर से बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। हालांकि उसे यहाँ पर एक सीट का नुकसान होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। वहीं दिल्ली की सबसे हॉट सीट कही जाने वाले पूर्वी दिल्ली लोकसभा संसदीय क्षेत्र में एक बार फिर से बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है। अमूमन सभी एग्जिट पोल्स में पूर्वी दिल्ली सीट पर बीजेपी के मनोज तिवारी की जीत की संभावना जताई गई है, तो वहीं इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी कन्हैया कुमार इस सीट पर मनोज तिवारी से हारते नजर आ रहे हैं। बता दें कि बीजेपी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत इस बार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली की 60 लोकसभा सीटों में से अपने 6 सिटिंग सांसदों के टिकट काट दिए। बीजेपी ने केवल पूर्वी दिल्ली सीट पर ही मनोज तिवारी को रिपीट किया। हालांकि चुनाव से पहले बीजेपी के इस कदम पर विपक्ष ने जमकर हमला बोला। कहा तो यहां तक गया कि बीजेपी को चुनाव में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर हार का डर सता रहा है, इसलिए उसने इस बार अपने 7 में से 6 उम्मीदवारों के टिकट काट दिए। लेकिन बीजेपी विपक्षी गठबंधन के इन हमलों से इतर बड़ी ही खामोशी से चुनावी रणनीति जमीन पर उतारने में लगी रही। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने इतना बड़ा कदम अपने इंटरनल सर्वे के आधार पर उठाया, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष बीजेपी के इस कदम को हार का भय समझकर इति उत्साह में अपने विरोध के खिलाफ सटीक रणनीति बनाने में विफल साबित हुआ। मनोज तिवारी को तीसरी बार उम्मीदवार बनाए जाने के पीछे कई वजह है, जिनमें उनका स्टारमन, जमीन से जुड़ी रणनीति, पूर्वांचल वोटरों पर उनकी मजबूत पकड़ शामिल है। लेकिन चुनाव में जीत का दम भरने वाले विपक्ष को लगा कि वो इस बार बीजेपी को 7 में से 6 सीटों पर आसानी से मात दे देगी। जहां तक बात रही मनोज तिवारी की, तो कांग्रेस ने पूर्वांचल के वोटरों को साधने के लिए कन्हैया कुमार को टिकट देकर चुनावी रण में उतार दिया। कन्हैया कुमार का यह दूसरा लोकसभा चुनाव है। इससे पहले कन्हैया कुमार ने CPI की टिकट पर साल 2019 में बिहार के बेगूसराय सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। JNU से अपने छात्र रणनीति की शुरुआत करने वाले कन्हैया कुमार पर कांग्रेस समेत पूरे इंडिया ब्लॉक ने भरोसा जताया और वोटिंग से पहले उनके पक्ष में जमकर रैलियां भी की गई। कन्हैया कुमार ने मनोज तिवारी को हराने के लिए पूर्वी दिल्ली की खूब गलियां नापी। इस दौरान उन पर हमला भी हुआ, लेकिन लगता है कि एग्जिट पोल के नतीजों ने कांग्रेस समेत इंडिया ब्लॉक के अरमानों पर पानी फेर दिया। वही जिस एक सीट पर एग्जिट पोल में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ सकता है, वो चांदनी चौक सीट है। कांग्रेस ने इस सीट से JP अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया। JP अग्रवाल पुराने कांग्रेसी हैं और दिल्ली की सियासत की नब्ज को भली भांति समझते हैं। कांग्रेस ने चुनाव में उनके अनुभव का फायदा उठाने का जो फैसला लिया है, वो एग्जिट पोल में सही साबित होता दिख रहा है। कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश अग्रवाल का चांदनी चौक सीट से 40 वर्ष पुराना नाता है। उन्होंने साल 1984 में लोकसभा चुनाव में पहली बार चांदनी चौक से ही जीत दर्ज की थी। उसके बाद वर्ष 1989 और 1996 का चुनाव भी चांदनी चौक से जीता, तो वर्ष 2009 में उत्तर पूर्वी दिल्ली से चौथी जीत हासिल की थी। हालांकि वर्ष 1991 और 2019 में घरेलू मैदान के साथ साल 2014 में उत्तर पूर्वी दिल्ली से हार का स्वाद भी चखा। बता दें कि चांदनी चौक में साल 1957 से लेकर 2019 तक कुल 15 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, जिसमें से कांग्रेस पार्टी अब तक 9 बार जीत चुकी है। वहीं बीजेपी ने इस सीट पर 4 बार जीत हासिल की। बीजेपी ने इस बार चांदनी चौक सीट से अपने मौजूदा सांसद हर्षवर्धन का टिकट काटकर उनकी जगह प्रवीण खंडेवाल को उम्मीदवार बनाया। लेकिन इस बार चांदनी चौक सीट पर बीजेपी की रणनीति विफल होती नजर आ रही है। कम से कम एग्जिट पोल तो इसी ओर इशारा करते नजर आ रहे हैं। हालांकि कल यानी 4 जून को काउंटिंग के बाद ही साफ हो पाएगा कि एग्जिट पोल के दावे सही साबित होते हैं या फिर विपक्ष कोई बड़ा उलटफेर करने में कामयाब रहती है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर पास डिजिटल।